कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, कई दिनों तक रही भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कौवे ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। यह कविता है बाबा नागार्जुन की, जिसका शीर्षक है अकाल के बाद। अधिकांश विद्यार्थियों का बाबा से प्रथम परिचय इसी कविता के माध्यम से होता है। बाबा ने केवल 8 पंक्तियां लिखी हैं। पहली 4 में अकाल के समय की दरिद्रता, शिथिलता और उदासीनता का चित्रण है, और उसके बाद 4 और, जब दाने घर को आते हैं, गतिविधियां चालू हो जाती हैं और समय के परिवर्तन का अंदेशा होने लगता है, तो प्रकृति में और घर वालों में एक तरह का बदलाव देखने को मिलता है। बाबा नागार्जुन बहुत बड़े कवि थे, ना उनके पास शब्दों का टोटा था, कई भाषाओं पर पकड़ थी, भावनाओं से ओतप्रोत थे, चित्र खींचने में माहिर, अनुभव की कमी नहीं। फिर केवल 8 पंक्तियां, संभवतः इसलिए कि इस विषय की यही मांग थी, अकाल में फंसा हुआ कवि अपनी निराशा में, अपनी परेशानियों में, अपनी भूख में भला 4 पंक्तियों से अधिक क्या लिख पाएगा। और जब अनाज घर को आएगा, जब अच्छे दिन आने को होंगे, तो वह चूल्हा जलाएगा, भोजन पकाएगा, हर्षोल्लास मनाएगा कि लेखनी लेकर लिखने बैठ जाएगा। धन्यवाद करे, अपनी क्षुधा को शांत करे कि कविता करने बैठ जाए। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक तानी कुतिया सोई उसके पास, कई दिनों तक रही भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कौवे ने खुजलाई पंखें कई दिनों के बाद। ऐसे सुंदर चरित्र चित्रण करने वाले बाबा नागार्जुन को मेरा शत शत नमन। मानसून आ चुका है, ईश्वर से कामना है कि जमकर पानी बरसे, हमारे गांव, हमारे खेत खलिहान भरे रहें अनाज से, कोई भूखा न रहे, कहीं अकाल न पड़े, सरकारें भी मदद के लिए तत्पर रहें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय श्री राम।